प्रदूषण की बात कर लेते हैं। साफ हवा के लिए दिल्ली वालों का संघर्ष जारी है। दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि हवा की हलचल गंभीर है। प्रदूषण को काबू में करने के लिए सरकारी कोशिशें भी की जा रही हैं। अब तक 54,000 गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। जगह जगह एंटी स्मॉग गन तैनात हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके धुंध और धुएं की वजह से राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली की सुबह की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राजधानी में सांसों पर संकट किस कदर गहरा गया है। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए सुबह की सैर जरूरी है, लिहाजा लोग सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। लेकिन साफ हवा तो मयस्सर ही नहीं, तो सेहत दुरुस्त रहे कैसे? स्मॉग के वजह से अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह सुबह सुबह वी कैनॉट सी द सनराइज बिकॉज ऑफ द स्मॉग। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड वी नीड टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। पोल्यूशन से तब परेशानी हो रहा है आदमी को, क्या है वही बीमारी उमारी का यह है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। सोमवार को दिल्ली पूरे दिन धुंध और धुएं की वजह से स्मॉग की चादर में लिपटी रही, लिहाजा दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार छठे दिन बेहद खराब श्रेणी में रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में उच्च स्तर पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे AQI 373 दर्ज किया गया, जबकि 24 घंटे का औसत AQI शाम 4 बजे 381 दर्ज किया गया। वहीं 17 इलाकों में AQI 400 से अधिक होने की वजह से हवा की हालत गंभीर बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी अगले कुछ दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी, लिहाजा प्रदूषण से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं है, यानी साफ हवा के लिए लोगों का संघर्ष अभी जारी रहेगा। प्रदूषण से जो हम लोग सोचते हैं कि लंग्स डैमेज हुए, सांस आने की दिक्कत हुई, पर जो ज्यादातर जो डेथ्स हैं, मृत्यु होती है, परमानेंट डैमेज है, वो हार्ट स्ट्रोक, हार्ट में डैमेज होना और ब्रेन में स्ट्रोक होना। इनफैक्ट एस्टिमेट किया गया है शायद हमारी कंट्री में 20-25% हार्ट अटैक और स्ट्रोक में प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग आजकल सोच रहे हैं यंग एज में हो रहा है, इसको क्यों हो गया, हम सोचते हैं सिर्फ स्ट्रेस ही है, पर स्ट्रेस तो है ही, पर प्रदूषण इसका बहुत बड़ा कारण है। ये देखा गया है कि जो PM2.5 का है, इसका 10% लेवल बढ़ने से 10% स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण 15 अक्टूबर से लागू है, जबकि 22 अक्टूबर से दूसरा चरण लागू किया गया है। ग्रैप